पटना में फिर से विकराल होने लगी है गंगा, या कहिए गंगा उफनने लगी है। और हम खड़े हैं, ये कृष्णा घाट हमारे आगे है, देखिए यहाँ से वहाँ ये जो रेलिंग है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। सामने जो गुंबज था वो पिछली बार ऊपर जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था, वो भी अब डूबने के कगार पर, और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और इस साल का ये सबसे अधिकतम जलस्तर है जब गंगा 18 सितंबर को उफन रही है। इस मौसम में या इस समय में कभी भी गंगा का जलस्तर इस तरह से देखा नहीं हमने, जैसे अभी अचानक से पानी बढ़ने लगा है। और पिछले 3 दिनों से लगातार जल स्तर जो है राइजिंग मोड में है, और अभी भी ये खतरे के निशान से ऊपर बहती हुई गंगा लगातार जलस्तर को ऊपर ले जाते हुए आगे बढ़ रही है। सामने देखिए वाटर वेग, और वो जो द्यारा है, द्यारा इस तरफ से उस तरफ जलमग्न हो गया है। और झुग्गी झोपड़ी जो सामने बना था, वो झोपड़ियों को थोड़ा सा उगा हुआ आप देख सकते हैं, लेकिन पानी इस बार, जबकि वो डूबी नहीं थी पिछली बार जब बरसात में, लेकिन अब जब सितंबर खत्म होने वाला है तो पूरा यह जो है द्यारा वो डूबने के कगार पर है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है। सामने कुछ नहाने वाले लोग हैं, उनसे बात कराते हैं। आपकी कहाँ के रहने वाले हैं चाचा आप? सामने कितना कब से बढ़ रहा है पानी? 3-4 दिन से पानी जो है बढ़ रहा है पूरा एकदम। उधर कृष्णा घाट पर कितना पानी है? पानी वहाँ से कमर भर, ये रेलिंग पर पानी है। हाँ, कमर से ऊपर होगा। हाँ, कमर ये छाती तक। हाँ, ये पानी जो रेलिंग पूरा डूबा हुआ है। हाँ, उधर डूब गया रेलिंग। हाँ, रेलिंग पूरा सब डूबा हुआ, उधर खतरा के निशानी से हम लोग उधर नहीं जाते हैं नहाने के लिए। दूसरी कि अभी सांप बिछा भी बहुत लोग पहुँचे हुए इधर आ करके, उससे डर के कारण आप लोग गंगा जी लोग आने भी कम कर दिया है स्नान करने वाला, ना तो आए दिन ही अपनी भीड़ लगा रहता था नहाने स्नान करने वाले। तो समझिए यहाँ पर आए दिन बता रहे हैं कि भीड़ लगा रहता था नहाने और स्नान करने वाले लोगों का, लेकिन अब जब जलस्तर बढ़ा है तो, क्योंकि इसमें जब जलस्तर बढ़ता है तो सांप बिच्छू बड़ी इस पानी में तैरता रहता है, अलग अलग जगह से जब पानी बढ़ जाता है तो वहाँ से पानी में बहता हुआ आता है, तो ऐसे में बड़ा डर लगता है किनारे नहाने में। लेकिन सोच लीजिए जब कृष्णा घाट और पटना घाट के ऊपर जब पानी चढ़ गया है तो जलस्तर किस हिसाब से बढ़ा होगा। आगे चलेंगे, यहाँ से लेकर के दीघा तक की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कहाँ कितना पानी है, लेकिन जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है वो अब डर सताने लगा है। हम तस्वीरों के सहारे छोड़े जा रहे हैं, आगे चलते हैं, आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। गंगा मरीन ड्राइव के किनारे तक पहुंच गई है। पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां गंगा नदी के किनारे लोग यहां से वहां देखिए शरण ले रखे, और सामने वो जो झोपड़ी है वो थोड़ा सा बचा है अब डूबने को, लगभग देखिए यहां से वहां तक जितने घर हैं वो गंगा में समाहित है। इस तरह से 17-18 सितंबर को जब जलस्तर बढ़ा है तो अब डरने की बात ये है कि अब गंगा कहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि जलस्तर लगातार राइजिंग मोड में है। और 3 दिन से लगातार बढ़ता हुआ पानी जब घर वर को डूबने को तैयार हो गया तो लोग शरण लेने लगे गंगा नदी के किनारे किनारे। इस तरफ मरीन ड्राइव के इस तरफ की अगर बात करें तो इधर भी जो लोग किनारे लोग रह रहे हैं उनको भी अब शरण लेना पड़ रहा है, जबकि पिछली बार जब हम तस्वीर दिखाए थे तो इस तरफ के लोग ही गंगा किनारे से उठ करके यहाँ तक आए थे, इस बार उस तरफ के लोगों को भी आना पड़ा क्योंकि जलस्तर इस साल का सबसे अधिकतम स्कोर पर है। लोग हैं यहाँ, उनसे बात कराते हैं। आपकी कब से बढ़ा चाचा जलस्तर? इधर 3-4 दिन से बढ़ा है। कितना बढ़ा पानी? पानी तो हालांकि अब बहुत बढ़ गया है। आप लोग कहाँ किधर रह रहे हैं? हम तो इधर इस साइड के रहने वाले हैं। इस तरफ उधर भी पानी है ना? इधर तो थोड़ा सा पानी है, ये है। हम लोग रहते हैं उस साइड पे, उस साइड में। तो देखिए बढ़े हुए जलस्तर के बीच अगर इधर की तस्वीरें आप देखें तो ये नवयुगा का जो है कंस्ट्रक्शन यार्ड है, जहाँ इसका सुपर स्ट्रक्चर मरीन ड्राइव का बनता था, पूरा डूब गया यहाँ से वहाँ तक। जो सामने घर है वो घर देखिए, वो लगभग जो है खिड़की के ऊपर तक पानी है। इधर में मेट्रो का कंस्ट्रक्शन यार्ड है, उसके कंस्ट्रक्शन यार्ड में भी अब जो है बढ़ता हुआ जलस्तर के कारण पानी घुसने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन जिस हिसाब से जलस्तर बढ़ रहा है, और इस टाइम में जब कभी भी गंगा को इस तरह में आप इस तरह से उफनते हुए नहीं देखे होंगे, 9 सितंबर का महीना खत्म होने को है, 18 सितंबर है आज, और ऐसे में बढ़ा हुआ जलस्तर अब डरा और सता रहा कि लगातार बढ़ता हुआ पानी कहाँ पहुँचेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से पानी बढ़ रहा है उसको देख करके कह सकते हैं कि गंगा उफनने लगी है। चलेंगे आगे, आगे की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। दीघा में ये पर्यटन घाट है, और पर्यटन घाट के सामने
ये जो देखिए स्टीमर लगा है, यहाँ पर भी देखिए जलस्तर कैसे बढ़ गया कि गंगा किनारे तक पहुँच गई है। और यहाँ जो टूरिज्म में जो ये बोट्स चलाते हैं वो लोग जो रहते हैं, उनके रहने का जो अरेंजमेंट किया गया, पूरा घर में से मात्र अब कुछ ही बचा है डूबने को, सब कुछ डूब गया है। सामने जो झुग्गी और झोपड़ी बना हुआ था जिसमें छोटा मोटा चाय वाय का दुकान चलता, वो सब डूबा हुआ। यहाँ मरीन ड्राइव के किनारे किनारे पूरा घाट देखते हैं जलमग्न है और गंगा किनारे तक पहुँच गई है। इस साल का ये सबसे बड़ा जलस्तर है जो आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं। दीघा के ब्रिज के अगल बगल जो गंगा किनारा है पूरा डूबा हुआ, यहाँ से वहाँ जलमग्न दिखता है। और अभी जब मरीन ड्राइव आप देखेंगे तो मरीन ड्राइव के दोनों ही किनारों पर आपको गंगा दिखेगी और बीच से मरीन ड्राइव दिखता है। ये नज़ारा हमेशा नहीं मिलता और तभी तो हम कहते हैं कि इसको गंगा ड्राइव के साथ साथ में लोग इसको मरीन ड्राइव भी क्यों कहते हैं। और अब जब देखिए उधर से ट्रेन चलते हुए आ रही है, देश का पहला ये टू इन एक्सेस वाला रेल ब्रिज है जिस पर से हाजीपुर की तरफ से ट्रेन चलते हुए पटना की तरफ आ रही है। और वहीं ये जो दियारा है, दियारा पर भी यहाँ से वहाँ जो है जलस्तर दिखाई दे रहा है। ये हाजीपुर का तिरसिया दियारा है जहाँ देखिए लोगों के घरों में भी पानी अब घुस गया है और कैसे लोग कमर भर पानी में अपने घर के तरफ आगे जा रहे हैं। पूरा यहाँ का केला बगान जलमग्न है गंगा के बढ़े हुए जलस्तर के बीच। तभी तो मैं कह रहा हूँ इस साल का गंगा में ये सबसे बड़ा उफान है जो सब कुछ डूबने को तैयार है। बाकी है वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और इसी तरह के और वीडियोस को यूट्यूब पर देखते रहने के लिए वेवपुरी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, आप चाहे तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।